वर्ष में केरल ऑनसेट होना चाहिए, मानसून ऑनसेट 2023 के लिए होना चाहिए। केरल से लेके नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स यहाँ तक मानसून कंडीशन इज फेवरेबल। कोंकण गोवा एरिया मध्य महाराष्ट्र यहाँ पे एक्सपेक्टेड तुरलक ठिकाणी हल्का पावस की शक्यता है। अभी देखिए वो जो साइक्लोनिक स्टॉर्म कल देर रात को बना था, तो अभी वो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी कि गहरा चक्रवाती तूफान के रूप में है। नाम उसका है बिपरजॉय। बिपरजॉय नाम ये दिया गया, बांग्लादेश ने दिया। एवं अभी इसका जो मूवमेंट, अभी तक तो नॉर्थवर्ड मूवमेंट था, अभी जो मूवमेंट एक्सपेक्टेड है ये नॉर्थवर्ड नाव के थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट वर्ल्ड मूवमेंट अभी मिलने को जा रहा है, मतलब गल्फ की तरफ थोड़ा मैंने टुवर्ड्स गल्फ की तरफ ही थोड़ा मोड़ लिया। तो ये जो देख रहे हैं कोन ऑफ अनसर्टेनिटी, मतलब अभी जो डायरेक्शन थोड़ा सा हमारे इंडियन कोस्ट लाइन से दूर की तरफ जा रहा है। एवं जो बड़ा बात देखा जा रहा है दैट इज मानसून करेंट, ये अभी जो सुबह का पोजीशन सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बिपरजॉय का 12.7 डिग्री नॉर्थ 66.2 डिग्री ईस्ट। सैटेलाइट चित्र जो उपग्रह चित्र जो विजिबल इमेज ये बता रहा है अभी जो मानसून करंट ऑफ केरल कोस्ट एरिया अरबियन सी में ये चक्रवाती तूफान का जो कन्वर्जिंग फोर्स इससे डिटैच हो चुका है, अलग हो चुका है। बट इसके वजह से क्या हुआ, ये वेस्टर्ली विंड पैटर्न जो मिलना चाहिए वो काफी डेप्थ तक ऊपरी हवा में पहुंच चुका है, जो फेवरेबल मानसून के लिए अपेक्षित है, होना चाहिए। साथ साथ में जो मेघमय था स्लोली मेघ बढ़ रहा है, जो हम आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन देखते हो बढ़ रहा है, जो बारिश कुछ स्टेशन से मॉनिटर करते केरल में तो ये भी नंबर धीरे से बढ़ रहा है। जो पर्टिकुलर विंड पैटर्न वहां पे होना चाहिए वो भी प्रॉपर क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। तो ये सब के आधार पर एक्सपेक्टेड नेक्स्ट 48 आवर्स में केरल ऑनसेट होना चाहिए, मानसून ऑनसेट 2023 के लिए होना चाहिए। एवं साथ साथ में ये जो देखा जा रहा है फेवरेबल कंडीशन ये साउथ अरबियन सी में काफी ज्यादा हिस्सा, एंटायर लक्षद्वीप मालदीव एरिया कॉमोरिन एरिया साउथ वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल, साथ में सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट बे ऑफ बंगाल एवं पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी विद इन 48 आवर्स मानसून शायद दस्तक देने जा रहा है। कंडीशन इज फेवरेबल केरल से लेके नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स यहाँ तक मानसून कंडीशन इज फेवरेबल। एंड अभी जो बड़ा बात यह है जो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म ये मानसून करंट से डिटैच हो गया, बट पार्शियली जो वेस्टर्ली फ्लो पैटर्न आना चाहिए मानसून के लिए वो एस्टेब्लिश कर दिया, मतलब मानसून के लिए बहुत अच्छी फेवरेबल मानसून के लिए अभी कंडीशन पार्शियली फेवरेबल हो गया। तो अभी एक्सपेक्टेड 48 आवर्स में केरल ऑनसेट, साथ में नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स यहाँ पे भी ऑनसेट एक्सपेक्टेड। जो कल साइक्लोन की वजह से महाराष्ट्र में कुछ बारिश की संभावना बताई जा रही थी अभी वो निकल गई। अभी देखिए कल भी जैसे बताया था बहुत ज्यादा कुछ बारिश एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि अभी उसको ही कंफर्म कर रहे हैं। हमारा पूर्वानुमान जो देखेंगे मोस्टली कोंकण गोवा एरिया मध्य महाराष्ट्र यहाँ पे एक्सपेक्टेड तुरलक ठिकाणी हल्का पावस की शक्यता है, यानी कि आइसोलेटेड मैक्सिमम ज्यादा हुआ तो स्कैटर्ड एरिया बारिश संभावना लाइट रेन प्री मानसून कह सकते हैं क्या। हाँ ऑब्वियसली प्री मानसून, क्योंकि मानसून अभी तक तो हमारे प्रदेश में घुसा नहीं। एंड जैसे पहले ही बताया कि गोवा में ऑनसेट डेट 6th of June नॉर्मल डेट, एवं हमारे प्रदेश में 6th-7th June गोवा में 5th June हमारे प्रदेश एक्सट्रीम सदारी से 6th-7th of June एवं पूरा प्रदेश कवर करने का डेट है 15th of June। तो ये बार जो एक्सटेंडेड रेंज पूर्वानुमान हम देखा
दिखा रहा है 16 to 22 वाला जो वीक, इसमें मानसून अरबियन सी एवं बिहार बंगाल वाला ब्रांच प्रोग्रेस अच्छा करेगा एवं एक्सपेक्टेड 15th ऑनवर्ड मानसून प्रोग्रेस पूरा महाराष्ट्र कवर करेगा, नहीं करेगा लेकिन प्रोग्रेस हमारे प्रदेश में भी शुरू हो जाएगा। महाराष्ट्र में कब आएगा? महाराष्ट्र में जैसे बताया सामान्य डेट 6-7 June एक्सपेक्टेड, आज 7 है तो नेचुरली कंट्री के लिए इट इज डिलेड। 1 June जो सामान्य डेट है केरल ऑनसेट, 4 June हमारा प्रेडिक्शन था प्लस माइनस 4 days, कल है 8 June तो एक्सपेक्टेड 8-9 तक मैंने एकदम अपर लिमिट पे ऑनसेट होने जा रहा है केरल एवं नॉर्थ ईस्ट इंडिया वहां पे भी ऑनसेट होने जा रहा है। इसके बाद मान लीजिए अनदर 7-8 में हमारे प्रदेश में एंट्री करना शुरू हो जाएगा। आई फील अराउंड 14-15 ऑनवर्ड हमारे प्रदेश में सदन हिस्सा होते हुए मानसून प्रवेश करना धीरे धीरे शुरू करेगा। 14-15 को एंट्री करेगा, यस। एवं इसका लगातार अपडेट मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे हैं, लगातार अपडेट थ्रू सोशल मीडिया थ्रू अवर वेबसाइट आप लोगों को देते जाएंगे। थैंक यू।